एक बार पास्कल्स लॉ रिवाइज करेंगे। आई स्टार्ट। इफ देर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर इन एनी पार्ट और एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड, देन दिस चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कुछ पॉइंट्स जो ध्यान देने वाले हैं। आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट, हमें ग्रेविटी को इग्नोर करना है। सेकंड पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर हम किसी एक जगह पे प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, देन दैट प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। नेक्स्ट पॉइंट जो और ध्यान रखना है वो क्या है, वी शुड टेक लिक्विड। गैसेस के केस में थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उस केस में प्रेशर एक जैसे ट्रांसमिट हो ना हो उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, अब हम पास्कल्स लॉ की एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, कंसिडर ए वेसल फिल्ड विद वाटर हैविंग थ्री ओपनिंग्स। डायग्राम बनाइए, एक वेसल विच इज फिल्ड विद वाटर हैविंग थ्री ओपनिंग्स। कितनी ओपनिंग्स, थ्री। मान लीजिए तीनों ओपनिंग्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। से जो कैपिटल ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए, जो दूसरी ओपनिंग है कैपिटल बी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल टू ए, एंड सिमिलरली फॉर सी ओपनिंग उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाय टू। तीनों ही ओपनिंग्स के ऊपर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन्स लगे हुए हैं। ये अब कॉमन सेंस है यार कि पिस्टन अगर लगे हुए हैं तो कोई लिक्विड बाहर तो नहीं आएगा, कहीं से कोई लीकेज नहीं होगी। अगर हम एक तरफ प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरी ओपनिंग में से लिक्विड बाहर आ जाएगा। आई रिपीट, इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। क्यों भाई, वाई? दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, अब इस लिक्विड के भरे हुए पास्कल में पिस्टन ए के ऊपर हम एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस से एफ। एक्सपेरिमेंट शोज दैट टू कीप द पिस्टन बी एंड सी इन देयर पोजिशन, हमें भी बाहर से फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बात आप सब लोगों को क्लियर है, आप लोग इसे आसानी से फील कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फीलिंग। अब होता क्या है कि जब पिस्टन बी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, उसे अपनी पोजीशन पर रखने के लिए हमें फोर्स 2f, ट्वाइस ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय अस ऑन पिस्टन ए, हमें 2f फोर्स लगानी पड़ती है किसके ऊपर, ऑन पिस्टन बी। एंड सिमिलरली ऑन पिस्टन सी हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इट शुड बी एफ बाय टू, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सी इज हाफ दैट इज ए बाय टू। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वेसल, दैट इज कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाय ए इज इक्वल टू टू एफ बाय टू ए इज इक्वल टू एफ बाय टू बाय ए बाय टू। मीन्स जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। द ओनली रिक्वायरमेंट इज प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट एनी चेंज, विच इज बेसिकली पास्कल्स लॉ। आई रिपीट, हमें याद रखना है इस केस में हम ग्रेविटी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, पास्कल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इन टू कंसिडरेशन, तब थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं जो कि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। चले आगे, नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ एंड द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप सभी ने कार सर्विस सेंटर या कार वॉशिंग वाली वर्कशॉप
पे कहीं ना कहीं से देखा होगा। अभी किसी ने देखा है या नहीं, यह क्लियर है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस काम आती है, कार, ट्रक या हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए काम आती है। अच्छा, एक चीज़ और एग्जांपल ले सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार रेती की ट्रॉली के पीछे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है जिससे हम बड़ी आसानी से रेती को ट्रॉली से बाहर फेंक देते हैं। यस और नो? गुड। बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब कम फोर्स लगाकर भी हम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। पर याद रखना है, इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। यहाँ ऐसा कोई मैजिक नहीं होता कि एनर्जी अपने आप से आ गई, हमें थोड़ी एनर्जी दी और पूरे के पूरे रेते को ढेर कर दिया, पूरी की पूरी कार को उठा दिया। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। चलिए अब देखते हैं हाउ डज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। इसे समझने के लिए हम दो सिलेंडर्स लेते हैं, C1 एंड C2। क्लियरली इन दोनों सिलेंडर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग चाहिए। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा, स्मॉल a से डिनोट कर लेंगे, दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा, कैपिटल a से डिनोट कर लेंगे। दीज टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद ए पाइप। दोनों सिलेंडर्स के ऊपर एक एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लगा हुआ है। अब इस अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, दो सिलेंडर्स जिनका नाम हमने C1 एंड C2 रखा है एंड एक पाइप जो कि उनको कनेक्ट कर रही है, उन दोनों में हमने लिक्विड भर दिया, ऊपर से पिस्टन्स तो लगे हुए हैं। अब मान लीजिए हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की ऑन सिलेंडर विद स्मॉल क्रॉस सेक्शन, मतलब हमने प्रेशर अप्लाई किया छोटे सिलेंडर पर, तो उस केस में प्रेशर कैपिटल P किसके इक्वल आएगा, स्मॉल F बाय स्मॉल A। डन। अब पास्कल लॉ के मुताबिक इतना ही प्रेशर बड़े क्रॉस सेक्शन वाले सिलेंडर के ऊपर भी लगेगा, मतलब कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल F बाय कैपिटल A, दैट इज प्रेशर कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल F बाय कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल F बाय स्मॉल A। डायग्राम से क्लियर है जो हमने अजम्पशन ली थी कि कैपिटल A इज ग्रेटर देन स्मॉल A, सो क्लियरली कैपिटल F इज ग्रेटर देन स्मॉल F, मतलब हमने अप्लाई फोर्स की थी छोटी स्मॉल F, बट बदले में हमें बड़े पिस्टन के ऊपर ज़्यादा फोर्स मिल रही है कैपिटल F, मीन्स हम ज़्यादा वेट को उठा सकते हैं। Hence, we can say by making ratio of two cross-section areas, capital A by small a large, we can lift heavy objects, heavy loads like cars and trucks by application of small force. This is actual Pascal's law, या you can say application of Pascal's law. मैं एक बात repeat करता हूँ, work done in both sides will be same. There will be no gain of work. Energy conservation is still applicable. Okay, इसे समझने के लिए एक छोटा सा question पूछता हूँ आपसे। Work done किसके equal होता है? Work done is equal to force into displacement. Okay, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। Capital F is equal to small F into capital S is equal to कैपिटल F इंटू स्मॉल S। जो छोटे क्रॉस सेक्शन वाला पिस्टन है वह नीचे को ज़्यादा मूव करेगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस मूव्ड अप बाय द पिस्टन विद लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया सच दैट वर्क डन इन बोथ केसेस मस्ट बी सेम।